नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुर्जरात्रा प्रदेश में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। ये अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं। लक्ष्मण राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल थे, अतः यह वंश प्रतिहार वंश कहलाया। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाए। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख अभिलेखिक रूप से सर्वप्रथम रूप में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया और भारत के द्वारपाल यानी प्रतिहार की भूमिका निभाई। नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाह शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज लिखा है। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बोहरा कहकर पुकारता है, जो शायद आदि वराह का शुद्ध उच्चारण है। चीनी यात्री वेनसांग जब भीनमाल आया तो उसने अपने 72 देशों के वर्णन में इसे कु चेलो यानी गुर्जर बताया तथा उसकी राजधानी का नाम पीलो मोलो यानी भीनमाल बताया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसी प्रदेश को भिन्नमल नगरी में गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता प्रारंभ किया। प्रतिहार नरेशों के जोधपुर और घटियाला शिलालेखों से प्रकट होता है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान गुर्जरात्रा था। एच सी रे के अनुसार इनकी सत्ता का प्रारंभिक केंद्र मांडवेपुर यानी मंडोर था, परंतु अधिकांश इतिहासकार इनकी सत्ता का प्रारंभिक केंद्र अवंती अथवा उज्जैन को मानते हैं। इनके अलावा जैन ग्रंथ हरिवंश और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र नेणसी ने गुजरात प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मंडोर के प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में यह शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी। जोधपुर और घटियाला शिलालेखों के अनुसार हरीशचंद्र नामक ब्राह्मण के 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी भद्रा के 4 पुत्रों भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। रज्जिल तीसरा पुत्र होने पर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इस वंश के 10वें शासक शिलुक ने वल्ल देश के शासक भाटी देवराज को हराया। उसकी भाटी वंश की महारानी पद्मिनी से बाऊक और दूसरी रानी दुर्लभ देवी से कक्कुक नाम के 2 पुत्र हुए। बाऊक ने 837 ईस्वी की जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया था। कक्कुक ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो घटियाला के लेख के नाम से प्रसिद्ध है। उसके द्वारा घटियाला और मंडेर में जय स्तंभ भी स्थापित किए गए थे। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में उन्होंने उज्जैन को अपने अधिकार में कर लिया एवं उज्जैन उनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। ये बड़े प्रतापी शासक थे। इनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था, जिसमें तत्कालीन समय के सभी राजपूत वंश गुहिल, चौहान, परमार, राठौड़, चंदेल, चालुक्य, कलचूरी उनके दरबारी सामंत थे। इनके समय में सिंध की ओर से बिलोचों ने आक्रमण किया और अरबों ने अरब से। नागभट्ट ने इन्हें अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया, जिससे उनकी ख्याति बहुत बढ़ी। इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छ अरब के थे, जो सिंध पर अधिकार करने के पश्चात वहाँ से भारत के अन्य भागों में अपनी स्थापित सत्ता करना चाहते थे। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी कक्कुक और देवराज थे, परंतु इनका शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं रहा।
नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए इस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी, देवराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र वत्सराज अगले प्रतापी शासक हुए। इन्होंने भंडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज की रानी सुंदर देवी ने नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ, जिसे नागावलोक कहते हैं। इनके समय में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। वत्सराज ने ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया। ओसियां सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके समय उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना 778 में जालोर में की। ओसियां के मंदिर महामारू शैली में बने हैं, लेकिन ओसियां का हरिहर मंदिर पंचायतन शैली में बना है। ओसियां राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र था। ओसियां के मंदिर प्रतिहार कालीन है। इन्हीं के समय से भारतीय इतिहास में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण में राष्ट्रकूट, उत्तर उज्जैन में प्रतिहारों के मध्य लगभग 1.5 सदी तक संघर्ष चला। इसे भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इस समय दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर राष्ट्रकूट वंश का राज्य था। इनके समकालीन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने वत्सराज पर आक्रमण किया और इन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद उसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। यह युद्ध गंगा और यमुना के दोआब में हुआ था। इसी कारण इस विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने कुल चिन्ह में गंगा यमुना के चिन्हों का सम्मिलन किया। ध्रुव के चले जाने के बाद धर्मपाल ने इंद्रायुद्ध को हराकर उसके स्थान पर चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रयुद्ध को पराजित किया तथा कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। इन्होंने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। बकुला अभिलेख में इन्हें परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। नागभट्ट के बाद उसके पुत्र रामभद्र ने 833 ईस्वी में शासन संभाला, परंतु अल्प शासन काल 3 वर्ष में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से 885 ईस्वी। मिहिर भोज प्रथम इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। ये रामभद्र के पुत्र थे। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। इनका प्रथम अभिलेख वरा अभिलेख है, जिसकी तिथि 836 ईस्वी है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की और मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जिसने अरबों को रोक दिया। कश्मीरी कवि कल्हण की राष्ट्रंगिणी में भी मिहिर भोज के प्रशासन की प्रशंसा की गई है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण द्वितीय का शासन था। ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधि आदि वराह मिलती है। वहीं दौलतपुर अभिलेख में इन्हें प्रभास कहा है। इनके समय प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्री मदादिव राह अंकित था। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य भार अपने पुत्र महेंद्र पाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया। महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी। इनके गुरु व आश्रित कवि राजशेखर थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास और भुवन कोश की रचना की। इन्होंने अपने ग्रंथों में महेंद्र पाल को रघुवंश चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा है। इनके 2 पुत्र थे, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। भोज द्वितीय ने 910 से 913 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल प्रथम ने
914 से 943 ईस्वी तक शासन किया। जब तक महिपाल ने शासन संभाला तब तक राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को नष्ट कर दिया। राजशेखर महिपाल के दरबार में भी रहे। राजशेखर ने इन्हें आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। इनके समय में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। राज्यपाल 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण किया। 1036 में प्रतिहारों का अंतिम राजा यशपाल था। 1039 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया।